परम शांति। लोग जो भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं कि जो मनुष्य भक्ति मार्ग में माना आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान में आगे चलता है, जितनी भक्ति मार्ग में आगे भक्ति बढ़ती है, ऐसे ऐसे उनको बहुत दुख दर्द सहन करना पड़ता है। जैसे मेरा भाई, उसको राजमहल छोड़ना पड़ा, गली गली भटकना पड़ा, नरसिंह मेहता। तो ये सभी जो भक्ति मार्ग में जो परमात्मा में लव लीन होते हैं, परमात्मा में इतना प्यार में समा जाते हैं, तो इनको ये दुख दर्द का अनुभव, ये संसार का अनुभव नहीं होता। मगर जो लोग भक्ति मार्ग में लौकिक और अलौकिक दोनों में बैलेंस रख के चलना पड़ता है घर गृहस्थ में, तो परमात्मा को प्यार करने में थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मन मन अधूरा मन अधूरा मन देह और देह के संबंधों में या भौतिक चीजों में होता है, और आधा मन परमात्मा को देते हैं। इसलिए उनको ये चीजों का अनुभव होता है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो दुख दर्द मेरे को ज़्यादा मिलते हैं। मगर जो सचमुच में जो परमात्मा में भक्ति में लवली मीरा और मीरा जैसे हो जाते, तो उनको कोई दुख दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई विष पिलाए, कोई सांप भेजे, तो ये परमात्मा में जब लवलीन अवस्था होती है, सही ढंग में ज्ञान आता है, जब इस दुनिया को समझ लेते हैं कि ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक से मुझे परमात्मा को पाना है, ज्ञान मार्ग में तो अमर लोक जाना है, परमधाम जाना है, तो फिर तो ये देह और देह के संबंधों को भूलोगे तो दुख दर्द नहीं मिलेगा। मगर जब नहीं भूलते, उनको राम भी चाहिए और काम भी चाहिए, ऐसे लोगों को दुख दर्द लगता है। बाकी जो लवली अवस्था, जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे परमात्मा से प्यार करना है, प्यार तो केवल एक परमात्मा से करना है, बाकी दुनिया से किसी को दिल नहीं देना है, दिल में एक परमात्मा है, इनको कोई भी दुख दर्द का एहसास नहीं होता। अधूरा जो मन है, परमात्मा में अधूरा मन है, तो उनको लगता है दुख दर्द मुझे मिल रहे हैं। ऐसा सभी भक्ति मार्ग वालों को कहना है। मगर भक्ति भक्ति में कोई मन इतना लगता नहीं है, रोज सुबह शाम थोड़ी भक्ति कर ली और कहते हैं कि भाई मेरे को दुख दर्द ज़्यादा मिला, या तो फिर भी एकदम आसुर बन जाओ, जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, तो फिर माया में फंस जाओ, या तो एक और परमात्मा को मन 100% दे दो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है तू मन मेरे को दे दे। इसलिए मन परमात्मा को संपूर्ण नहीं लगाते। अगर परमात्मा में संपूर्ण मन लगाए, 100% मन किसी में ना हो, तो दुख दर्द, क्योंकि मन में ही दुख दर्द है ना, मन परमात्मा में है तो दुख दर्द का एहसास कैसे होगा। और तो मीराबाई हो गए, मीराबाई जैसी आत्मा की स्टेज हो गई, उनको दुख दर्द कैसा, कोई गाली दे जो भी दे। तो ये भक्ति मार्ग में अपनी अपनी बातें हैं। बाकी सच्ची भक्ति जो करता है, ये लवली अवस्था परमात्मा में होता है, मन दे दिया उसको, एक को ही मन दिया, बाकी मन का बंटवारा इधर उधर कर दिया, तो फिर मन कभी देह और देह के संबंधों में पड़ा है तो मन से फिर दुख दर्द मिलेगा, मन कभी भौतिक चीज़ों में पड़ा है तो भौतिक चीज़ों में पड़ेगा। तो मन तो एक में लगाओ तो सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा, सुख नहीं परम सुख परम शांति मिलेगी। बाकी मन को भी खेद दोगे तो मन जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ तो मायावी दुनिया में, मायावी दुनिया है ये, तो मृत्यु लोक में तो माया है, मगर माया में रहकर जो मायाजीत बनता है उनको दुख दर्द का एहसास नहीं होता। और समझता है हर कोई कर्म बंधन कट रहा है, हर कोई कर्म बंधन तो काटना ही पड़ेगा, सामने आएगा। ज्ञानी होगा योगी होगा तो कर्म बंधन ऐसे ही कट जाएगा, खुशी खुशी कट जाएगा, कर्मबंधन खुशी खुशी काटेगा। कोई चिल्ला के काएगा, कोई काटेगा, कोई रो रो के काटेगा, भगवान को गालियाँ भी देंगे,
भगवान मैं तेरे को याद करता हूँ और मेरे को दुख दर्द, तेरे को याद करने से दुख दर्द मिलते हैं, ऐसा ही लोग समझते हैं, इसलिए फिर नास्तिक बन जाते हैं। मगर ऐसा नहीं, थियरी ऑफ कर्म को भी समझना पड़ता है। ज्ञान पूरा पूरा विश्व ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, उसका ज्ञान चाहिए। ज्ञान आता है तो वैराग आता है, भेद का ज्ञान है तो भेद के वैरागी है, भेद के त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो फिर उसको रोग शोक से दूर हो जाते हैं। जो फिर रोग शोक तो मन में होता है, मन से फिर तन में आता है, रोग और शोक पहले मन में आता है फिर तन में आता है, इसलिए मन ही परमात्मा को दे दो तो फिर न रोग आएगा न शोक आएगा। अगर आ भी गया तो समझ लो अधूरापन है। अगर मन के अंदर कोई रोग और शोक आता है तो समझ लो कि पूरा मन परमात्मा को नहीं दिया है, मन अधूरा कहीं इधर उधर माया में भटक रहा है। जितना परसेंट माया में मन है इतना परसेंट दुख दर्द मिलेगा। अगर 100% परमात्मा में लगा हुआ है तो कोई वैकेंसी नहीं दुख दर्द आने का। इसलिए जो भी बनना है पूरा बनो, अधूरा मत बनो, अधूरे भक्तों को फिर दुख दर्द मिलता ही रहता है। कर्म बंधन आते हैं तो दुख दर्द मिलता है, परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.